हाय गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ स्टडी कर लिया है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या है? देखो, थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। मतलब जितना आपका एक्शन है उतना ही रिएक्शन होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। मैं अगर एक कंसिडर करूँ कि मेरे पास एक बॉडी वन है और कोई बॉडी टू है, तो जितना फोर्स इस बॉडी वन ने टू पर लगाया होगा, बॉडी टू भी रिएक्शन में उतना ही फोर्स बॉडी वन पर लगाएगी। तो न्यूटन्स स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट देयर इज एन रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना एक्शन होगा बॉडी पर उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब अगर इस बॉडी ने इस पर F1 फोर्स लगाया है और सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाया है F2, तो F1 जो है वो नेगेटिव टाइम्स होगा इक्वल F2 के। यानी F1 F2 दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन हमने लगाया है। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी रिएक्शन में उतना ही अपोजिट फोर्स पहली बॉडी पर लगाएगी। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि चलते वक्त जब हम चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अर्थ पर फोर्स लगाते हैं। उतना ही अर्थ हम पर रिएक्शन फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। मतलब हम अर्थ को थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली रनिंग करते वक्त आपने देखा होगा, रनिंग करते वक्त जो प्लेयर होते हैं वो पीछे की तरफ अर्थ को धकेलते हैं और अर्थ उन पर आगे की तरफ उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाती है। चलिए और एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शिप के केस में या बोट के केस में, जो बोट होती हैं वो चप्पू वाली जो बोट होती हैं, तो आप जो है उससे पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और वो पानी आप पर उतना ही फोर्स आगे लगाता है। मतलब वो बोट उतनी ही आगे जाएगी जितना वो पानी पीछे की तरफ धकेलेगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस, आपने स्विमिंग प्रोसेस है ना, स्विमिंग जब तैरते हैं वहां भी बिल्कुल सेम यही काम होता है। अगर हम तैर रहे हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और वो पानी हम पर उतना ही ज्यादा रिएक्शन फोर्स लगाएगा जितना हम उस पर एक्शन लगाएंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में हम पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और पानी हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है। तो ये सब न्यूटन्स लॉ के एग्जाम्पल हैं। आपने घोड़ा जो है वो घोड़ा गाड़ी को खींचता है, घोड़ा गाड़ी में वो एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वो घोड़ा अर्थ पर फोर्स लगाता है और उतना ही रिएक्शन फोर्स उस पर लगता है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये सभी एग्जाम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दूं, जैसे कि आप गन चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो हम पे पीछे की तरफ झटका लगता है क्योंकि वो जो गोली है बंदूक की वो आगे की तरफ जा रही है, उतना ही रिएक्टिव फोर्स उतना ही रिएक्शन हम पे पीछे की तरफ आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब आपने एक टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? ठीक, आपने शुरू की वीडियोस में देखा होगा मोमेंटम। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो मोमेंटम टॉपिक क्लियर करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या है। मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको, मोमेंटम होता है पी, इसका सिंबल है मोमेंटम का, और ये बराबर होता है मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट के। ठीक, यानी पी इक्वल्स टू एम इन टू वी। तो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट का हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है कि किसी सिस्टम के अंदर एक या एक से ज़्यादा बॉडी है और उनका इनिशियली जितना मोमेंटम होगा
वो एक दूसरे पर फोर्स वगैरह लगाएंगी, उसके बाद भी फाइनल मोमेंटम उतना ही आएगा, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। मैं कह सकता हूँ इसका एक स्टेटमेंट ये भी कह सकता हूँ कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। या आप इसका एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, इफ अ सिस्टम हैज वन और मोर देन इफ अ सिस्टम हैज टू और मोर देन टू बॉडीज, अगर किसी सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज है, देन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन जैसे वो टकराती हैं या एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, टकराने के बाद भी मोमेंटम उतना ही होगा जितना पहले है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया, मैं इसका प्रूफ आपको समझा दूं, तो कुछ एग्जांपल लेके हम इसका प्रूफ करते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रक है, इसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। और यहां कोई मेरे पास कार है, इसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन की। ये कंडीशन है टकराने से पहले की। अब मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग कोलिजन, एक टाइम है जब ये दोनों बॉडीज जो है, दोनों गाड़ी हैं, ये टकराएंगी। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये हमारे पास ट्रक है और इसकी टक्कर इस कार के साथ लगती है, ठीक। इसका मास m1, इसका मास m2, उस टाइम पे एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगी। इस ट्रक ने इस पर मान लीजिए फोर्स लगाया f1 और इस कार ने रिएक्शन फोर्स f2 ट्रक पर लगाया। मैं कह सकता हूँ f1 और f2 दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है। अब कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही होंगी, जितनी उनकी वेलोसिटी पहले थी वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और बाद में वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और होगी। मान लीजिए m1 मास, इसकी वेलोसिटी अब हो गई v1, और कोलिजन के बाद ये जो कड़ी है इसका मास तो m2 ही रहा लेकिन वेलोसिटी, तो आपको एक चीज कंसिडर करनी है कि जब टक्कर लगी तब उनका मास चेंज नहीं हुआ, मास बॉडी का उतना ही रहा, ठीक। तो ये कंडीशन है। अब इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करना है, कंजर्वेशन मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूफ करने का मतलब जो मैं यहां लिख देता हूं, टू प्रूफ, मुझे क्या करना है, टू प्रूफ करना है पहले जितना मोमेंटम था, टकराने से पहले मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 इस गाड़ी का प्लस इस गाड़ी का मोमेंटम, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, टकराने से पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, टकराने के बाद भी वो मोमेंटम उतना ही होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर हमें प्रूफ करना है तो मुझे ये चीज प्रूफ करके यहाँ दिखानी होगी कि टकराने से पहले जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहा, मोमेंटम कम या ज्यादा नहीं हुआ, या मैं कह सकता हूं कोई मोमेंटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, फोर्स लगाया इस कार ने, इस कार पर फोर्स, इस ट्रक ने इस कार पर फोर्स लगाया एफ वन, ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखिए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, क्योंकि ये गाड़ी पहले तेज चल रही होगी, भाई ये गाड़ी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, अगर ये तेज है जब ही तो इसमें टक्कर मार सकती है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मैं कह सकता हूँ यू वन कम है और यू टू, सॉरी यू वन ज़्यादा है और यू टू कम है, मतलब इस गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा है जब ये पीछे जाके टक्कर मारेगी, और टक्कर मारने के बाद अगर वो गाड़ी अलग हटी है, इट मीन्स वी टू अब ज़्यादा हो चुका और वी वन जो है वो कम है। क्लियर? तो देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये ट्रक है, मैं निकालता हूं कि इस गाड़ी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कार, कार के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मैं उस एक्सेलरेशन को बोल रहा हूं ए टू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। जिन बच्चों ने अभी मोशन का चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो पहले मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लें, और जो कुछ नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक्सेलरेशन कार के अंदर कितना प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कार की वी टू हो चुकी है,
और इनिशियली कार की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? U2। और मान लीजिए ये जो टकराई है दोनों, कार और ये ट्रक टकराया है, ये कितने टाइम के लिए टकराया है? टी टाइम के लिए ये कोलिजन हुआ है। क्लियर? तो मतलब जो इन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाई वो कितने टाइम के लगाई? टी टाइम के लिए। मतलब इस वेलोसिटी को U2 से V2 होने में जो टाइम लगा वो टी लगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं निकालूं कि फोर्स F1 मतलब फोर्स ऑन कार ड्यू टू ट्रक, इस ट्रक ने कार पर जितना फोर्स लगाया वो फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो F1 फोर्स कितना होगा? F1 तो मास कार का और इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma हमने पढ़ा है, ठीक है। तो m2 और एक्सेलरेशन कितना? v2 माइनस u2 बाय t। तो इतना फोर्स लगा ट्रक के द्वारा कार पर। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ट्रक, ट्रक के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? रियली में एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है। मतलब कि जो ट्रक है उसका, उसकी स्पीड घट गई, इट मींस इट इज रिटार्डेशन। बट हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है। तो एक्सेलरेशन कितना है? a1। इनिशियली कार की वेलोसिटी फाइनली तो v1 हो गई, और इनिशियली कितनी थी? u1। और टाइम जो इस प्रोसेस में लगा वो टी लगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t। कौन सा एक्सेलरेशन? जो प्रोड्यूस हुआ है ट्रक के अंदर, ठीक। तो फोर्स कितना लगाया कार ने ट्रक पे? फोर्स ऑन ट्रक ड्यू टू कार, ट्रक पर लगने वाला फोर्स कार की वजह से। तो उस फोर्स को मैं नाम दूं F2। तो फोर्स कितना है जो कार ने ट्रक पर लगाया? F2 फोर्स। तो इस F2 फोर्स की वैल्यू कितनी है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास m1 और इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है v1 - u1/t। तो हमने दोनों फोर्स निकाल दिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर मैं यहाँ थर्ड लॉ का यूज करता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का हम यूज करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ F1 फोर्स नेगेटिव टाइम्स होगा F2 के। F1 फोर्स कितना है? m2 v2 - u2/t, और नेगेटिव टाइम से किसके? F2 के। F2 फोर्स कितना है? m1 v1 - u1/t। तो यहाँ t से t कैंसिल हो गया, मैं मल्टीप्लाई करा दूं, m2 v2 - m2 u2 इक्वल्स टू माइनस का m1 v1 और ये हो जाएगा प्लस का m1 u1। इस m1 v1 को हम एक तरफ ले आए तो m1 v1 प्लस m2 v2 यहाँ ऑलरेडी था, और इक्वल्स टू में क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। इट मींस जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया कि टकराने से पहले m1 u1 प्लस m2 u2 ये जो मोमेंटम है टकराने के बाद वाले मोमेंटम के बराबर है। इट मींस मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक। चलिए इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है द कार ए ऑफ मास 1500 kg, एक कार ए है जिसका मास 1500 किलो है, ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, वो कार 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, कोलाइड विद अनदर कार बी, वो किसी दूसरी कार बी के साथ टक्कर लगती है उसकी जिसका मास 1000 किलो है, और वो दूसरी कार 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में ए कार जा रही थी उसी डायरेक्शन में बी कार, तो ऐसे टक्कर लगी पीछे से। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद जो पहली कार थी ए जिसकी स्पीड 25 थी उसकी स्पीड 25 की जगह 20 हो गई, तो बताना है कार बी की स्पीड कितनी होगी। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम अपने पिछले टॉपिक के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें जो गिवन है वो दिया है कि U1 पहली कार की इनिशियल स्पीड वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। पहली कार का मास M1 वो कितना है? 1500 kg। नेक्स्ट M2 दूसरी कार का जो मास है वो कितना दिया है? 1000 kg। एंड U2 दूसरी कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। और
आफ्टर कोलिजन, जो कोलिजन के बाद है, जो स्पीड है कार की वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। किस कार की? पहली कार की, यानी V1 जो है वो 20 मीटर पर सेकंड दिया है। तो हमें सिंपल सा दूसरी कार की स्पीड यानी कि V2 को कैलकुलेट करना है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पूरा वो प्रूफ करें, इनिशियल मोमेंटम अलग निकालें, टकराने के बाद मोमेंटम अलग निकालें, फिर उन्हें इक्वल रखें, तब सॉल्व करके V2 निकालें, या जो हमने प्रूफ किया था आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लें। ये मेथड आपका ज़्यादा इजी है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम जो फॉर्मूला है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। डायरेक्ट हमने कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं यहां वैल्यूज पुट कर दूं, M1 की वैल्यू कितनी है 1500, U1 25 प्लस M2 यह है 1000, U2 है 15 इक्वल्स टू M1 अगेन फिर 1500, V1 दिया है 20, M2 फिर से 1000 और V2 हमें कैलकुलेट करना है। तो बस अब काम बचता है यहाँ कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं दो जीरो तो यहाँ से कॉमन ले लूँ, यानी कि मैं 100 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना बचने वाला है, अच्छा 15 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं पूरा, चलिए यही कॉमन ले लें, ये बचा 15 × 25 प्लस 15 × 10 इक्वल्स टू, यहाँ से भी आप 100 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 15 × 20 प्लस 10 V2। तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 15 × 25 या 15 भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये बचता है 25 प्लस 10, क्लियर। और यहाँ से अभी 10 और कॉमन आ रहा है, तो ये बचता है 15 × 2, इट मीन्स 30 प्लस V2। कोशिश करिए कैलकुलेशन जो है वो छोटे से छोटी आपकी हो जाए। तो 15 × 25 + 10 कितना हो गया, 35, और वो 10 जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 30 प्लस V2, क्लियर स्टूडेंट्स। 5 से मैं डिवाइड कर लूँ, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। नेक्स्ट, तो 35 × 3 से आप मल्टीप्लाई अगर इसकी करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 × 3 105 by 2 इक्वल्स टू 30 प्लस V2, क्लियर। और मैं इसे रफ कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी आप इधर देख लीजिए, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 105 by 2 इक्वल्स टू 30 प्लस V2 आया है। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 5, 52.5 ये वैल्यू आई, और 30 इधर आएगा तो माइनस में होगा V2, तो 52 में से 30 माइनस करेंगे हम, तो 22.5 मीटर पर सेकेंड ये दूसरी कार की स्पीड आ रही है आफ्टर कोलिजन, टक्कर लगने के बाद दूसरी कार की स्पीड 20 से बढ़कर 22.5 हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो के लिंक में एक लिंक है, उससे आप सीवाल क्लासेस की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से आप नोट्स, इस टॉपिक के नोट्स और साथ में डेली प्रॉब्लम जो है, जो इस टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हर वीडियो के साथ मैं आपको आगे दिया करूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स आएंगे, तो आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।